हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ कॉमर्स पेपर 2 विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम मई 2021। ओनर्स इक्विटी स्टैंड फॉर ऑप्शन दिए गए हैं फिक्स असेट माइनस फ्लड लायबिलिटी, फिक्स असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस फिक्स लायबिलिटी एंड टोटल असेट माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनर्स इक्विटी स्टैंड फॉर फिक्स असेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसमें से कौन सा एक मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? ऑप्शंस आर टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजिली अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन, टू कंप्लाई विद लीगल फॉर्मेलिटीज, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट विच इज इजिली अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा है? ऑप्शन आर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, ऑप्शंस आर कंजर्वेटिव कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड एरियर ऑफ बुक अकाउंट। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कंजर्वेटिव कन्वेंशन। इसमें से कौन सा एक वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता? ऑप्शंस आर रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियलाइजेशन ऑफ अ कैश फ्रॉम डेटर्स विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। इंडिया में इनमें से कौन सा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के गाइडेंस पर प्रिपेयर किया गया है? ऑप्शन आर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन इंडिया फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर ऑन द गाइडेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो सब्सिडियरी कंपनी में कैसे कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन आर रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडियरी कंपनी इज कंसिडर एज कैपिटल प्रॉफिट। प्रिपेरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड ऑफ अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इज ऑप्शनल, मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी, मैंडेटरी फॉर ऑल दी कंपनीज। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 प्रिपेरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज। The inverse relationship between the variation in the price and a variation in the quantity demanded is not due to price effect, entry and exit of the buyers, Gulson law of consumption and law of substitution. So the correct answer of this question is option number B, entry and exit of the buyer. The inverse relationship between the variation in the price and a variation in the quantity demanded is not due to entry and exits of the buyers. इसमें से कौन सा एक market failure का example नहीं है? Options are failure to produce merit goods, failure to produce public good, failure to the firm to maximize its profit and failure to the account externalities. फेलियर ऑफ अ फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, ये मार्केट फेलियर का एग्जाम्पल नहीं है। वॉट डज द PPP और P3 इनिशिएटिव रिफर टू? ऑप्शन आर
पब्लिक पॉलिसी पेपर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन, पर्सनल प्रोडक्शन प्रपोजल। द P3 इनिशिएटिव रिफर टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें से कौन सा एक मार्जिनल इकोनॉमिक्स के स्कोप में कवर नहीं होता? ऑप्शंस आर प्रॉफिट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग थियोरी, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग थियोरी। अकाउंटिंग थियोरी इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ मार्जिनल इकोनॉमिक्स। इसमें से कौन सा एक मार्जिनल इकोनॉमिस्ट का फंक्शन नहीं है? ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च, डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट इज नॉट फंक्शन ऑफ मार्जिनल इकोनॉमिस्ट।